हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरी किचन में। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बचे हुए ब्रेड का बहुत ही मज़ेदार नाश्ता, जिसे कि आप बार बार बनाना चाहेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, साथ में बेल आइकन है उसे भी ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। चलिए देख लेते हैं ये रेसिपी। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बची हुई ब्रेड का बहुत ही मज़ेदार नाश्ता। और इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिए हैं आधा कप के करीब पोहे, और इन पोहे को हम भिगो देंगे पानी में। यहाँ पर मैं इसमें पानी डाल देती हूँ और 10 मिनट इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। उसके बाद इसका हम पानी अलग कर देंगे। और यहाँ पर मैंने आधा कप पोहे में आधा कप ही पानी डाला है और 5 मिनट के लिए बिल्कुल इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। उसके बाद हम आगे का प्रोसेस करेंगे। और यहाँ पर मैंने ली है ये बची हुई ब्रेड, इस तरीके की, जो हम कोई भी रेसिपी बनाकर इस तरीके से ब्रेड बच जाती है, तो इसी से हम आज बनाएंगे नाश्ता। और इन सभी ब्रेड को एक ग्राइंडिंग जार में डाल के हमें इसके ब्रेड क्रम तैयार कर लेने हैं। पर इस ब्रेड को मैं डाल देती हूँ ग्राइंडिंग जार में ताकि हम इसके ब्रेड क्रम्स बना पाए। तो सभी को मैं डाल दे रही हूँ और इसे मैं ग्राइंड कर लेती हूँ फाइन सा। और यहाँ पर मैंने ब्रेड को ग्राइंड कर लिया है, तो इसे निकाल लेते हैं एक बोल में। मैं सेम बोल में इसे डाल लेती हूँ। और यहाँ पर जो ये ब्रेड क्रम है करीबन 1.5 से 2 कप के करीब हैं ये। और उसके बाद ये जो हमने पोहे रखे थे इसका एक्स्ट्रा पानी हम निकाल देंगे। तो यहाँ पर जो ये पानी एक्स्ट्रा आ रहा है मैं इसे निकाल देती हूँ। यहाँ पर पोहों को रखे हुए 5 मिनट हो गए हैं और इसका पानी मैंने पहले ही निकाल दिया था। तो अब इन पोहों को डाल देते हैं इस ब्रेड क्रम में और बहुत अच्छे से फूल गए हैं ये। इसके साथ ही इसमें डाल देंगे एक छोटा बारीक कटा हुआ प्याज। इसके साथ ही डालेंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्च और इसके साथ ही यहाँ पर डाल लेंगे बारीक कटी हुई शिमला मिर्च। तो 2 टेबलस्पून के करीब बारीक कटी हुई शिमला मिर्च है यहाँ पर। साथ में डाल देंगे नमक स्वाद के अनुसार। यहाँ पर मैं नमक डाल रही हूँ आधा चम्मच से कम। इसके साथ ही डाल देंगे इसमें चिली फ्लेक्स, तो आप अपने स्वाद के अनुसार इसमें चिली फ्लेक्स यूज कर सकते हैं। और इसके साथ ही यहाँ पर डाल देंगे ओरिगैनो, यहाँ पर आधा चम्मच के करीब मैं इसमें ओरिगैनो डाल रही हूँ। और अब सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिला देना है, तो हाथों से ही मैं इसे मिला देती हूँ और फिर हम इसमें बाद में पानी का भी यूज़ करेंगे। तो अच्छे से जैसे हम आटा तैयार करते हैं बिल्कुल उसी तरीके से हमें इसे तैयार कर लेना है। यहाँ पर मैंने बिना पानी के इस मिक्सर को मिला लिया है, लेकिन ये अभी भी बाइंडिंग के फॉर्म में नहीं आया है। तो इसमें डालेंगे पानी, थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी डालेंगे और बिल्कुल आटे की तरह गूंद कर तैयार कर लेंगे। और यहाँ पर मैंने ब्रेड और पोहे के मिक्सचर को गूंद कर तैयार कर लिया है। 1/4 कप के करीब पानी का यूज करना पड़ा इसे मुझे तैयार करने के लिए। और अब हाथों पे लगाएंगे थोड़ा सा तेल। यहाँ पर मैंने हाथों पे थोड़ा सा तेल लगा लिया है और इसका मिक्सचर का हम थोड़ा सा पोर्शन ले लेंगे इस तरीके से। बिल्कुल राउंड शेप में आ गया है, अब इसे हम लोई जैसा बना देंगे और इसे प्रेस कर देंगे। उसके बाद इसे मैं शेप देने वाली हूँ। आप चाहे तो इसे ऐसे ही रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसे स्क्वायर शेप देने वाली हूँ, तो इस तरीके से चाहे प्लेट में चाहे चॉपिंग बोर्ड पे इस तरीके से शेप दे देंगे। देखिए स्क्वायर शेप में आ गया है। ट्रायंगल भी दे सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो वो शेप इसे दे सकते हैं। तो इस तरीके से मैं सभी को तैयार कर लेती हूँ। ये देखिए एक बार मैं और दिखा रही हूँ, इस तरीके से इसे लोई का शेप देने के बाद हम इसे ऐसे करके स्क्वायर शेप दे देंगे। और ये देखिए स्क्वायर शेप में आ गया है। तो मैं ऐसे ही सभी को बनाकर तैयार कर लेती हूँ। और यहाँ पर मैंने बची हुई ब्रेड के सारे स्क्वायर्स बनाकर तैयार कर लिए हैं, ये देखिए। तो अब चलते हैं इन्हें शैलो फ्राई करने के प्रोसेस में। शैलो फ्राई करने के लिए गैस पर मैंने एक नॉनस्टिक तवा लिया है और इसमें डाल देंगे 2 चम्मच के करीब तेल। तो ये मैंने 2 चम्मच तेल डाल दिया और तेल जैसे ही गर्म हो जाता है इसमें हम डाल देंगे अपने ये ब्रेड स्क्वायर्स।
और अच्छे से हमें इसे दोनों तरफ से फ्राई कर लेना है। जब तक हमारे स्क्वायर्स फ्राई हो रहे हैं तब तक हम बाकी की तैयारियां कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये दो स्लाइस वाले चीज ले लिए हैं, आप चाहें तो मोजरेला चीज या फिर इसकी जगह पे प्रोसेस चीज ले सकते हैं। और इस तरीके से इसे हमें निकाल लेना है, तो मैंने ये निकाल लिया है और इसे इसी तरीके से रख देंगे। और इसके बाद इसे हम चार पीसेस में कट करेंगे। तो दोनों को ऐसे ही तैयार कर लेना है। यहाँ पर मैं दूसरी चीज को भी इस तरीके से ही कट कर लेती हूँ। ये मैंने इसे भी कट कर लिया है और इस तरीके से छोटे छोटे स्क्वायर्स हमें तैयार मिल गए हैं चीज के। और यहाँ पर जो हमारे स्क्वायर्स हैं एक तरफ से फ्राई हो चुके हैं, तो इन्हें मैं पलट लेती हूँ और पलट कर फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, इनके ऊपर थोड़ा सा तेल डाल देते हैं और अब किनारों पे थोड़ा तेल डाल देंगे, एक चम्मच के करीब। और उसके बाद जो हमने ये स्क्वायर्स तैयार करके रखे हुए हैं इस तरीके से हम हर स्क्वायर्स पे रख देंगे। और उसके बाद इसके ऊपर हम थोड़ा सा ओरिगैनो स्प्रिंकल कर देंगे। इसके साथ ही थोड़े से चिली फ्लेक्स, स्वाद के अनुसार ले सकते हैं आप। यहाँ पर मैंने ये चिली फ्लेक्स भी डाल दिए। उसके बाद यहाँ पर हमें इन स्क्वायर्स को तब तक पकाना जब तक कि चीज हमारी अच्छे से मेल्ट नहीं होती, तब तक तो मैं इसे कवर कर दे रही हूँ चीज के मेल्ट होने तक। इसे पका लेते हैं और इस टाइम पर गैस के फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है, लो फ्लेम पे ही हमें चीज को मेल्ट करना है और इसे पकाना है। और यहाँ पर मैंने सभी स्क्वायर्स को ढक के पका लिया है और इसका चीज जो है वो यहाँ पर मेल्ट हो चुका है, तो बस इसे इतना ही पकाना है, इसे ज्यादा नहीं पकाना है। और ये हमारे स्क्वायर्स नीचे से भी बहुत अच्छे से क्रिस्पी हो गए हैं, तो इन्हें करते हैं सर्व। फ्रेंड्स, बची हुई ब्रेड का बहुत ही मजेदार यमी नाश्ता बनके तैयार है, बहुत ही मजेदार है ये खाने में। तो इस तरीके से नाश्ता जरूर ट्राई करें, इसे कभी भी बनाएं, सभी को बहुत ही पसंद आएगा। और अच्छा लगने पर फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें, मेरे साथ कमेंट करके शेयर करें कि ये बचे हुए ब्रेड की रेसिपी आपको कैसी लगी।